तो हेलो एंड वेलकम मेरा राज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास है रियलमी की स्मार्ट वॉच टेक लाइफ आर 100 वॉच। जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे 2000 रुपीज़ में, बट करंट प्राइस 2500 रुपीज़ हो चुका है। बट एज ए 2000 रुपीज स्मार्ट वॉच हम इसको अनबॉक्स करेंगे एंड अनबॉक्सिंग के साथ साथ हम रिव्यू भी करेंगे विद सेंसर्स एंड एवरीथिंग। आउटडोर कंडीशन में ब्राइटनेस किस कैसी है, इसका यूजर इंटरफेस कैसा है एंड टच एक्सपीरियंस कैसा है, सभी फीचर्स किस टाइप से वर्क करते हैं वो सब हम यहाँ पे जानेंगे। तो चले गाइस, बिना किसी डिले के ये वीडियो हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। मेरा नाम सौरभ, आप देख रहे हैं YouTube चैनल जीएस टेक एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलिए यहाँ पे अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं आपके प्रोडक्ट की। तो ये आती है Realme की टेक लाइफ वॉच S100 सीरीज की ये स्मार्ट वॉच है Realme की ओर से एंड 2000 रुपीज़ इसका लॉन्चिंग प्राइस था गाइस। बट लॉन्च के राइट आफ्टर, मतलब आज अगर प्राइस चेक करेंगे तो ये 2000 की बजाय आपको 2500 रुपये में देखने को मिलेगी। तो नीचे की तरफ आपको एक बुकलेट मिलती है एंड एक नॉर्मल सा चार्जर यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन मेन हाईलाइट जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका ये रहा Realme की स्मार्ट वॉच। तो गाइज एप्लीकेशन के लिए इंस्टॉल के लिए बोल रहा है ये, तो हम ऐप ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं तो वो हम एग्री करके कंटिन्यू कर लेते हैं। तो गाइज एप्लीकेशन में डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है टेक लाइफ वॉच S100 का, तो आपको अलाउ करना होगा वॉच पे एंड आपकी वॉच है फाइनली पेड हो चुकी है आपके स्मार्टफोन के साथ। एंड अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ वॉच के एंड लुक डिज़ाइन की बात करूँ तो ये वॉच आती है 1.69 के डिस्प्ले के साथ। 1.69 का जो डिस्प्ले है गाइस वो आता है 530 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, तो डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट एटलीस्ट रियलमी बोल रहा है। 240x280 का रेजोल्यूशन मिलता है बट स्टिल जो व्यूइंग एंगल है वो प्रीटी डिसेंट है, आपको काफ़ी ठीक ठाक डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन अगर मैं बात करूँ वॉच के इंटरफेस की एंड वॉच का टच वगैरह, तो ये ठीक ढंग से काम करता है बट इन्फिनिटी मेन्यू नहीं है। आप अपने लेफ्ट में स्वैप करेंगे देन आपको एक जो स्लाइटली मेन्यू आता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है वो आ जाएगा। ऊपर से आप अगर स्वैप करेंगे इसको देन नोटिफिकेशंस, नीचे से आप आएंगे तो आपको जो भी फीचर्स एंड फंक्शन है स्मार्ट वॉच के वो आपको मिल जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट गाइज, तो यहाँ पे 24 वर्कआउट मोड दिए गए हैं, 23 वर्कआउट मोड बेसिकली एंड 1 फ्री ट्रेनिंग, जो कि आप कोई भी ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ पे यूजफुल है। सेंसर में आपको बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट के अलावा, बॉडी टेम्परेचर के अलावा आपको SPO2 यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा बेसिक सेंसर्स में आपको स्लिप स्टेप मिल जाएंगे, म्यूजिक कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाता है, ब्रीद इन वाला ट्रेनिंग जो फंक्शन है वो भी है, अलार्म क्लॉक, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, फाइंड माई फोन, फ्लैश लाइट, स्टॉप वॉच जैसे जो बेसिक्स थिंग्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। एंड मुझे इस स्मार्ट वॉच का जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी पसंद आया, तो दिखने में काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें यहाँ पे वॉच फेसेस की गाइज, तो एप्लीकेशन से आप यहाँ पे ओवर 100 जो है वॉच फेसेस यूज़ कर सकते हैं एंड इवन आपको कस्टमाइज वॉच फेसेस का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली कैरी आउट कर सकते हैं अपने स्मार्ट वॉच में एंड कोई भी वॉच फेस है वो आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। 34 ग्राम का इसका वेट है एंड 5.1 कनेक्टिविटी के साथ ये स्मार्ट वॉच आती है IPX68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट आपको ये मिल जाती है। 1.5 मीटर अंडर वाटर तक ये सर्वाइव कर सकती है अप टू 30 मिनट, तो आप पहन के इसको स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं एंड बेसिकली जो नॉर्मल थिंग है वहाँ पे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो गाइस आपको रेज टू वेक अप, DND जैसे फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम स्क्रीन टाइम आउट की बात करें तो 15 सेकेंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रियलमी की स्मार्ट वॉच में। 100% ब्राइटनेस के साथ आउटडोर कंडीशन में आपकी वॉच कुछ इस टाइप की दिखेगी, जो कि प्रिटी मच विजिबल है
नॉर्मल आइज। तो गाइज हमने रियलमी की टेक लाइफ वॉच R100 यहाँ पे रिव्यू कर ली है एंड आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के इसके सेंसर्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे वर्कआउट करती है। बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो इसका बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता हुआ आपको नजर आएगा एंड वो आपके स्किन के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर लाइक टू डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे मेजर करता हुआ आपको दिख जाएगा एंड बता देगा। अदर देन दैट गाइज अगर आप बात करें इसके हार्ट रेट एक्यूरेसी की तो हार्ट रेट एक्यूरेसी अराउंड 99% है जो कि प्रीटी मच अच्छी है। विद 24 आवर हार्ट रेट आप अपनी और द डे कंप्लीट डे की जो हार्ट रेट एक्यूरेसी है वो मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हार्ट रेट कितना अब नॉर्मली है, कितना नॉर्मली वर्क करता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की एक्यूरेसी की, ऑक्सीजन की एक्यूरेसी अराउंड 98% यहाँ पे आई। ऑक्सीमीटर में 96 बता रहा है बट यहाँ पे वॉच ने 97 बताया एंड वॉच अपना टाइम लेती है एक्यूरेसी को या जो रिजल्ट है वो बताने के लिए, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर आप इसको कितना फास्ट वर्क कराना चाहते हैं। बट एक्यूरेसी वाइज वॉच काफ़ी अच्छी है। इन टर्म्स ऑफ आउटडोर ब्राइटनेस, आउटडोर ब्राइटनेस भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करती हुई नजर आएगी। आउटडोर ब्राइटनेस में भी कोई भी यहाँ पे कमी नहीं है ब्रांड की ओर से एंड जो मैक्सिमम इसकी ब्राइटनेस है वो आप 100 पे सेट कर सकते हैं, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं तो एज पर दैम 100 यहाँ पे वर्क करता है। इन टर्म्स ऑफ रेस टू वेक का ऑप्शन भी है बट वो कितना एक्यूरेट वर्क करता है वो मैं आपको बताना चाहूँ तो 10 में से 8 टाइम वो वर्क करता हुआ आपको नजर आएगा। तो फॉर मी गाइज वॉच काफ़ी अच्छी है बट स्पोर्ट मोड थोड़ा सा कम दिया गया है। डीजो वॉच 2 स्पोर्ट जो थी वो 100 प्लस स्पोर्ट मोड के साथ आते हैं बट यहाँ पे सिर्फ 24 स्पोर्ट मोड दिए गए हैं तो वो स्लाइटली कम है बट एवरीथिंग जो भी फंक्शन एंड फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। स्पोर्ट मोड कम हुए तो क्या हुआ, आपको बॉडी टेम्परेचर का एक्स्ट्रा सेंसर मिल रहा है। तो मेरी ओर से इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।